साजर आवाज, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरा इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं देना, एक अच्छे संगीत प्रेमी अनवर हुसैन जी, दिस क्रेडिट गोज टू हिम कि आज वो हम सब लोगों को यहाँ एक साथ ला सके, ही कुड ब्रिंग अस टुगेदर टू परफॉर्म दिस। और आइए अब उस अदा की बात करें विच वॉज ऑलवेज कोटेड, की लता जी ने खुद कहा था कि मदन मोहन साहब गजल के शहजादे हैं। दिस अगेन हैज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि गजल तो उनकी स्पेशलिटी थी, उनका उनकी अदा थी, पर सिर्फ गजल वॉज नॉट मदन मोहन जी। मदन मोहन और लता मंगेशकर कॉम्बिनेशन अलग अलग अंदाज में देखा सुना गया। दिस इज अ सॉन्ग सिलेक्टेड फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड अनपढ़, 1962 की यह फिल्म थी। बड़ा इंटरेस्टिंग इस फिल्म का इस गीत का मेकिंग था। वाई कंपेयरिंग इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दिस। मदन मोहन जी एक ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट थे कि उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो सिटिंग रूम में बैठे हैं, हारमोनियम लेके बैठे हैं और देन ही कुड कंपोज समथिंग। इस गीत के बारे में कहा जाता है कि वो लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे थे, ये सोचते ऑन फिफ्थ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे आए, लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट में बैठे एंड बिफोर ही कुड रीच ऑन द फिफ्थ फ्लोर दिस ट्यून वॉज कम्पोज्ड। गाना सुनते ये कभी वी कुडंट इवन इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है। फिफ्थ फ्लोर आए अपने अपार्टमेंट के सामने, घर गए, फटाक से अपना हारमोनियम लिया एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग दिस सॉन्ग एंड दिस वॉज कम्पोज्ड। नौशाद जी ने इस गीत के बारे में कहा था कि इस एक रचना पर मेरी आज तक की सारी रचनाएं मैं कुर्बान कर दूं, ऐसी ये रचनाएं। आइए सुने यही गीत एंड द सेशन कमिंग अप दीपाली जोशी जी से। आपकी नजरों ने समझा प्यार